नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नो कैड सीआई में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरफेस पार्ट 3 में। पीछे के इंटरफेस में हमने ऊपर के ऑटो कैड मेनू, क्विक एक्सेस मेनू, रिबन, टूल पैलेट्स, टैब्स एंड व्यू के जो यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ये हमने किए थे। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, व्यू क्यू और नेविगेशन बार के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं जो आपको व्यू करने के लिए आसान करेंगे। आपको व्यू कैसे रहेगा वो आपको यहाँ पे आसानी से आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस पार्ट 3 में हमारा पहला जो इंटरफेस का आइटम है वो है व्यू क्यू। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस साइड में आपको एक क्यूब जैसा आइकन दिखेगा, ये अलग अलग व्यूज को आपको शो करता है। यहाँ पे अगर आप धीरे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक होम जैसा बटन दिखता है। इस होम बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिखने लगता है। ये डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक व्यू होता है। इसके साथ साथ आप व्यू के क्यूब के ऊपर किसी भी फेस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने टॉप पे क्लिक किया तो उसका टॉप व्यू, राइट हैंड साइड से क्लिक करेंगे तो राइट हैंड व्यू, बॉटम व्यू करेंगे तो आपको बॉटम व्यू दिखेगा। साथ के साथ इसी व्यू क्यूब के ऊपर इधर एरो होती है जिससे आप जो है अपने ऑब्जेक्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप घुमा सकते हैं। आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में व्यू करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर व्यू में कहीं आप खो गए हैं तो फिर से आप इसको होम पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका आइसोमेट्रिक डिफॉल्ट आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा। आप इस व्यू क्यूब के किसी कॉर्नर पे क्लिक कर सकते हैं, उस कॉर्नर की साइड से आपको दिखने लगेगा। किसी एज पे आप क्लिक कर सकते हैं, एज पे क्लिक करेंगे तो उस एज से दिखने लगेगा, कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो कॉर्नर से दिखने लगेगा। तो ये सारा हमारा क्या है, आपको व्यू क्यूब जो है हमारे जो भी आइटम्स स्क्रीन पे होते हैं उनको देखने के लिए जो है यूज किया जाता है। कभी कभी ये व्यू क्यूब हमको यहाँ से हटाना होता है क्योंकि ये स्क्रीन एरिया हमें ऑब्जेक्ट्स के लिए चाहिए होगा। कोई बड़ी मशीन हमने बनाई हुई है तो यहाँ से माइनस हमने पीछे वीडियो में आपको बता रखा है, इस पे अनटिक कर देंगे, ये आपका व्यू क्यूब यहाँ से गायब हो जाएगा। वापस आपको लाना है तो आप व्यू क्यूब को क्लिक करके वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यू क्यूब का यूज हम क्या कर सकते हैं अलग अलग तरह के व्यूज को करने के लिए। होम बटन से हम आइसोमेट्रिक व्यू में जाते हैं। तो इस तरह से ये व्यू क्यूब हमारे पास हो गया। इस व्यू क्यूब को हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे कौन सा डिफॉल्ट व्यू हमको रखना है। आप ये होम वाला जो क्लिक होता है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, करंट व्यू एज होम कर सकते हैं। तो आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है, होम किससे जाएगा वो भी आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अभी हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑटोकैड की सालों की प्रैक्टिस है कि क्या चीज कहाँ पे रखना है। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद ये इंटरफेस बनाया गया है तो हम बहुत ज्यादा अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमने लर्निंग की शुरू की है, धीरे धीरे आप इंटरफेस को चेंज करते रहेंगे। इंटरफेस के कैसे कैसे आइटम्स होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो पहला हो गया हमारा व्यू क्यूब। इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है नेविगेशन बार। इसके ऊपर जब आप जाते हो तो इसके अंदर कई सारे आइटम्स आपको मिलते हैं। ये नेविगेशन बार भी, जहां से हमने व्यू क्यूब शो हाइड किया था, नेविगेशन बार भी हम यहां से शो हाइड कर सकते हैं स्क्रीन एरिया बढ़ाने के लिए। अगर आपको स्क्रीन एरिया बढ़ाना है तो आप नेविगेशन बार, व्यू क्यूब, इन सबको शो या हाइड कर सकते हैं। अगर हिडन है तो आप वापस भी ला सकते हैं। कहां से लाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। आप देखिए, इसके बाद आता है हमारे पास नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला हमारा है नेविगेशन व्हील। एक्चुअल में ये जो नेविगेशन व्हील होती है, इसको जानने के पहले इसके नीचे जो कमांड्स हमारे पास हैं, सबसे पहले हमें उन्हें सीखनी चाहिए। उनमें क्या है, एक आपका पैन है। पैन क्या करता है, किसी भी आइटम का बिना साइज चेंज किए पूरे स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। सपोज मैंने पैन पे क्लिक कर लिया, हैंड आ जाएगा। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हैंड क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन, इस तरह से करता है। इसका मतलब इस आइटम को आप ऐसे ग्रिप करके आप बिना साइज चेंज किए स्क्रीन के ऊपर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो पैन का मतलब है विदाउट साइज चेंजिंग आप ऑब्जेक्ट को पूरी स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। पैन हो गया। पैन के बाद ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है जूम। तो क्या होता है,
जूम हम कितनी तरह से कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में अभी चेक करेंगे। इस जूम के नीचे एक छोटा सा एरो होता है, बहुत सारे इंटरफेसेस में नीचे छोटे एरो होते हैं, जहां भी ये छोटा एरो होता है इसके मतलब इसके अंदर कुछ चीजें छुपी हुई हैं। जब आप इस एरो को क्लिक करोगे तो ये देखेंगे आप कि ये जूम कितनी तरह से होता है। जूम एक्सटेंट है, जूम विंडो है, जूम प्रीवियस है, जूम रियल टाइम है, जूम ऑल है, जूम डायनेमिक है, तो ये अलग अलग तरह के जूम है हमारे पास। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है जूम एक्सटेंट। इसका सबसे अच्छा यूज मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज ये आइटम मैंने छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि हमें दिख ही नहीं रहा है कहाँ गया, उस टाइम पे अगर हम जूम एक्सटेंट का यूज करेंगे तो जूम एक्सटेंट हमारा जो छुपा हुआ आइटम होगा उसको पेज के साइज में ले आएगा। इसका मतलब कितना भी छोटा आइटम है उसको जूम करके वो पेज में फिल कर देगा। दूसरा जूम एक्सटेंट का यूज क्या है, सपोज हमने जूम करते करते इसको इतना बड़ा कर दिया, अब हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ आइटम है कहाँ नहीं है, दोबारा से हम जा करके क्या करेंगे, जूम एक्सटेंट पे क्लिक करेंगे, वो क्या करेगा फिर से इंटरफेस में आएगा। इसका मतलब आपके स्क्रीन का जो एरिया है वो कितना भी जूम हो गया हो, कितना भी जूम इन जूम आउट हो गया, छोटा हो गया बड़ा हो गया है, उसको आप जूम एक्सटेंड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, स्क्रीन के अंदर ले आ सकते हैं। ये हो गया पहला जूम। जो दूसरा जूम है आपका जूम विंडो है। जूम विंडो का मतलब होता है कि आप जूम विंडो क्लिक करेंगे, इसके बाद जो भी एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए मैं ये एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ, उतना एरिया जूम होके आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। स्पेसिफिक पॉइंट पे जहां आपको जूम करना है वहां आप सिलेक्ट करके इससे जूम कर सकते हैं। जूम विंडो एक पर्टिकुलर एरिया को जूम करता है। अगला जूम हमारे पास है जूम प्रीवियस। जूम प्रीवियस का मतलब पिछला हमारा व्यू कैसे था, जितना भी हमने जूम इन जूम आउट किया हुआ था वो पिछले व्यू पे आपका चला जाएगा। इसके बाद है हमारे पास जूम रियल टाइम। जूम रियल टाइम का मतलब होता है आप क्लिक करके जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो जूम होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो जूम आउट होगा, मतलब साइज इसका ऊपर की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो ये छोटा होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप कर्सर को क्लिक करके ऊपर नीचे करेंगे, आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है माउस पे, देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, जैसे मैं प्रेस करता हूँ उसके आगे प्लस का सिंबल आ जाता है, ऊपर जाऊंगा तो बड़ा होगा, नीचे आऊंगा तो छोटा होगा। इसका मतलब ये रियल टाइम साथ के साथ जो है जूम होता जा रहा है, आप जैसे साइज जो साइज आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जूम में क्या क्या चीजें हो गई, एक जूम एक्सटेंट हो गया, कितना भी बड़ा पेज साइज हो, कितना भी छोटा पेज साइज हो, कितना भी बड़ा आपने ऑब्जेक्ट कर दिया है, कितना भी छोटा कर दिया नहीं दिख रहा है वो आपके पेज में आ जाएगा। दूसरा आपके पास है जूम विंडो, पर्टिकुलर एरिया को जूम करेगा। जूम प्रीवियस पिछले व्यू पे ले जाएगा। जूम रियल टाइम आपके पास प्लस माइनस ऊपर की तरफ जाएंगे तो जूम होगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो छोटा होगा, छोटा बड़ा ऊपर की तरफ बड़ा नीचे की तरफ छोटा। अब देखिए जूम ऑल का मतलब होता है कि कभी कभी हमारे पास कई सारे ड्रॉइंग्स एक साथ होती हैं, जब आप जूम ऑल करोगे तो जो एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसको जूम करेगा, तो मोर और द लेस ये क्या है आपका जूम विंडो जैसा है। इसके बाद एक होता है जूम डायनेमिक, तो आपको जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से जूम करता है। तो ये चीजें हम जूम डायनेमिक का हम कम यूज करते हैं। जूम स्केल आपको बताना पड़ेगा, जूम स्केल जब आप क्लिक कर देंगे अगला जूम स्केल है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि हमको कितने स्केल पे जूम करना है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये क्लिक करके आप इतना बड़ा बता देंगे, वो आपको स्केल इसमें क्या करना है स्केल बताना पड़ेगा कि 2 times करना है, 3 times करना है, वो उतना टाइम्स जूम कर देगा। जूम सेंटर मीन्स आपको पूरा भी जो भी डायग्राम होगा वो उसको सेंटर में ले आएगा, ठीक है। जूम इन जूम आउट आप जानते ही हैं, जूम इन का मतलब वो बड़ा करेगा, जूम आउट का मतलब छोटा करेगा। आपको अगर छोटा करना है जूम इन जूम आउट करेंगे और बड़ा करना है तो जूम इन करेंगे। तो ये सारे हमारे पास जूम के लिए ऑप्शंस हैं जिनसे हम जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और इन जूम में मैं एक बार फिर से रिवाइंड करूंगा, जूम एक्सटेंट, जूम विंडो, जूम प्रीवियस एंड जूम रियल टाइम। तो ये सारे जूम के ऑप्शंस हैं, जूम इन जूम आउट करने के ऑप्शंस हैं, जैसे जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत होगी हम उसको यूज करेंगे। जूम के बाद अगला हमारे पास आता है नेक्स्ट, उसी में ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के नीचे भी छोटा सा एरो बना हुआ है, तो इसमें आपका अलग अलग तरह का ऑर्बिट है। ऑर्बिट है, फ्री ऑर्बिट है और कंटिन्यूअस ऑर्बिट है। जब आप ऑर्बिट पे क्लिक करेंगे तो ऑर्बिट से एक पर्टिकुलर पॉइंट बना के आप क्या कर सकते हैं, उसको उस पॉइंट के अबाउट जो भी हमारा आइटम्स हैं उनको आप रोटेट कर सकते हो।
उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। अब देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास फ्री ऑर्बिट है। फ्री ऑर्बिट में आपके पास ये चार पॉइंट्स आ जाएंगे, आप यहां से करके आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में जाके ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये अलग अलग एक्सिस के ऊपर आपको अगर रोटेट करना है तो आप क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स का यूज करके आपको जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है फ्री ऑर्बिट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी क्या करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली घुमाना। कंटिन्यूअस ऑर्बिट क्या करती है, जब हम घुमा के ऐसे छोड़ देंगे तो ये कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लगातार घुमाते ही रहना है। इसके बाद इसकी स्क्रीन के ऊपर जब ये सामने आ जाएगा तो इसको हम क्लिक करके रोक भी सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑर्बिट हमारे पास हो गया। ऑर्बिट में क्या क्या चीजें हुई, ऑर्बिट में हमारे पास एक ऑर्बिट है जिसमें आप किसी पॉइंट के अबाउट घुमा सकते हो, एक फ्री ऑर्बिट है आप अलग अलग एक्सिस पे घुमा सकते हो, कंटिन्यूअस ऑर्बिट है। कंटिन्यूअस ऑर्बिट क्या करेगी, कंटिन्यूअस ऑर्बिट आपकी लगातार चलती रहेगी स्टॉप। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस, तो मोशन का आता है कि हम प्रीवियस हमारे व्यूज कैसे थे वहां पे जाते हैं। अभी हमने मोशन के लिए कुछ किया नहीं है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सो मोशन हम लोग नहीं देखेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास नेविगेशन बार के ऑब्जेक्ट्स आ गए। नेविगेशन बार में आपको एक चीज बच रही है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन व्हील। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका फायदा ये होता है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो एक ये नेविगेशन व्हील जो है हमारे पास क्या होगी, हमारे साथ साथ चलती है। साथ साथ चलने का मतलब यहाँ पे आओगे तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, पीछे का ऑब्जेक्ट भी आपको दिखेगा और ये व्हील भी आपको दिखेगी। इसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जैसे जूम, आप जूम क्लिक करके अपने ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हो, इसी तरह से ऑर्बिट पे क्लिक करके उसको ऑर्बिट कर सकते हो, इसी तरह से पैन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट को पैन कर सकते हो। तो जो भी नेविगेशन के बार के आइटम्स थे उसको उन्होंने क्या किया है, ये व्हील्स में कर दिया है। ये जो हमारे पास ऑर्बिट हो गया, जूम हो गया, रिवाइंड का मतलब पिछले व्यूज पे आप पीछे देखें इसकी हिस्ट्री बनी हुई होती है, तो ये हिस्ट्री में पीछे आप रिवाइंड करके जा सकते हैं। तो ये चार हो गए, ऑर्बिट, जूम, रिवाइंड एंड पैन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी व्हील है। इसके अंदर में देखोगे सेंटर, जैसे हम ऑर्बिट करते हैं तो देखोगे एक पाइवोट लिख के आता है, ये उसका सेंटर होता है। अगर आपको सेंटर चेंज करना है तो ये बीच में देखेंगे यहाँ पे एक सेंटर है, सेंटर क्लिक करके इस सेंटर को आप जहां चाहे वहां प्लेस कर सकते हैं। इससे आप पॉइंट ऑफ रोटेशन चेंज कर पाओगे, ऑर्बिट कर देंगे तो अब उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। आपको यहां से रोटेट करना है तो आप क्या करोगे, सेंटर यहां पे क्रिएट करोगे, फिर ऑर्बिट करोगे तो यहां से रोटेट करेगा। तो आप जो है उसका सेंटर डिसाइड कर सकते हो, ऑर्बिट कराने के लिए जूम भी कर सकते हो, पैन भी कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो। इसी तरह से किसी भी, जैसे मैंने ये बिल्डिंग जैसा आप देख रहे होगे, बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, तो ये बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर में कभी कभी हमें इसके ऊपर फ्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखोगे वॉक लिखा हुआ है, तो आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं। जैसे किसी जो है बिल्डिंग में कोई मल्टी बिल्डिंग जो है सोसाइटी है उसमें मूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। लुक का मतलब है आप ऊपर नीचे से मूव करके लुक कर सकते हैं। अप डाउन का मतलब ऊपर नीचे, आपको किधर ऊपर से और ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो आपको एक्सिस के हिसाब से ऊपर या नीचे कहाँ जाना है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये व्हील आपके साथ साथ मूव करती है, कर सके आपको यहां तक जाने का टाइम बचता है। तो ये जो आपकी व्हील हो गई, ये क्या है, आपका टाइम बचाने के लिए ये जो नेविगेशन बार के आइटम्स हैं उन्हीं को इसमें प्लेस कर दिया गया है। अब इसी के देखेंगे, इसी के व्यूज होते हैं, जो हमारे पास ये व्हील्स है, व्हील है, इसके अलग अलग व्यूज होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नेविगेशन व्हील बहुत एक्सपीरियंस के बाद यूज करिए, अभी यूज मत करिए। तो इसके व्यूज में देखेंगे तो अंदर में चार आइटम्स हैं और इसके बाहर में चार आइटम्स हैं, तो इसके अलग अलग व्यूज हो जाएंगे। जब आप मिनी व्हील करोगे तो यहाँ पे देखोगे रिवाइंड, जूम, उसी व्हील का साइज चेंज कर दिया है, व्यू चेंज कर दिया है। राइट क्लिक करोगे अब देखोगे बाहर वाले रिवाइंड, अप डाउन, वॉक, ये अंदर के चार आ गए, पहले जो है बाहर के चार थे, अब यहाँ पे देखोगे तो आठ हैं पूरे, जो चार बाहर के और अंदर के थे इसके अंदर में जो है उसने सारा इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस अपनी व्हील को सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये व्हील मत यूज करिए, ये इंटरफेस में था इसलिए मैंने बता दिया कि ये व्हील जो है हमारी नेविगेशन बार की जो कमांड्स होती हैं उनके साथ
जो है एक अच्छा व्यू क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। जब आप कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो उस टाइम पे ये हमारी यूज होने लगेगी। तो इसको जब हम यूज करेंगे तो उस टाइम पे, अभी अभी नहीं यूज करना है, अभी आपको ये फील इसलिए होती है, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, दो चीजें हो गई, एक तो व्यू क्यूब से हम व्यू कंट्रोल कर सकते हैं, इस नेविगेशन व्हील से किसी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दो टारगेट फिनिश हुआ, एक व्यू क्यूब का और एक जो है हमारे पास आ गया नेविगेशन बार का। इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे पास, अगला जो हमारे पास दो चीजें आती हैं वो आती हैं हमारा, यहाँ नीचे की साइड आप देखोगे मॉडल लिखा हुआ है, लेआउट लिखा हुआ है, एक मॉडल है और एक लेआउट है।